आपसे कहा कि मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, तो अक्सर बेशतर लोगों की ज़बानें खामोश थी। जानते हो आज कौम मुस्लिम के हालात इतने बदतर हो चुके हैं, माशा इस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। अलहाज मास्टर जौहर हरी साहब ने अपने दरवाजे पर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया था कि कर्री के मुसलमान ऐसी जब कॉन्फ्रेंस का इनकाद करूंगा तो ऐसी महफिल में मुसलमान आकर बैठेंगे, उलमा की गुफ्तगू को समाप्त करेंगे, अल्लाह रसूल के जिक्र को सुनेंगे। मगर ए मुसलमानों, आज कौम मुस्लिम ने अपनी इज्जतों का जनाजा इसी अंदाज से निकाला है। अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है कि मुसलमान को जब कुरान की तालीम के नाम पर बुलाया जाता है तो मुसलमान ऐसी महफिल में बैठने के लिए तैयार नहीं होता है। मुसलमान को अल्लाह रसूल के जिक्र के नाम पर दावत दी जाती है तो मुसलमान आने के लिए तैयार नहीं होता है। मगर अगर मुसलमान को खाने की दावत दे दो ना तो खुद भी आएगा, अपने बच्चों को भी साथ देकर आएगा। एक की दावत होगी, तीन तीन घर के लोग शिरकत करते हुए नजर आते हैं। आज कौम मुस्लिम ने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है, कुरान की तालीम को किस तरीके से बदनाम किया है। ए मुसलमानों, आज तुम अपने हालात को इस तरीके से पेश कर रहे हो। हकीकत में जब आपके इस गाँव के अंदर नबी के मिलाद का जब प्रोग्राम रखा जाए ना तो इधर उधर आवारा गर्दी में अपनी जिंदगी को बर्बाद ना किया करो, बल्कि ऐसी महफिल में बैठकर अल्लाह की रहमतों से माला माल हुआ करो। हकीकत में मुसलमानों, आज हालात कितने बदतर हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। आज हम और आप इस कर्री की जमीन पर बैठकर अल्लाह रसूल की इताअत करने से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। कुरान की तालीम से अमल करने के बजाय हम कुरान की तालीम से हटते हुए नजर आ रहे हैं। इस कर्री की जमीन पर आज सरकार मसूली के नाम से इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनकार किया गया, बड़े बड़े उलमा को मतु किया गया कि आपकी इस्लाह हो सके, मगर आज बैठने के लिए तैयार नहीं हो। आज तुम खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हो, इसलिए अल्लाह को राजी करने के लिए तुम तैयार नहीं हो। मगर मुसलमानों, खुशहाली तुम्हारे अंदर है ना, इस पर गौर करने से पहले जरा फिलिस्तीन के उन मुसलमानों की जिंदगी उठाकर देखना कि फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर किस तरीके से उनके वकार को मजरू किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को ए मुसलमानों किस तरीके से बमबारी में मार दिया जा रहा है। हकीकत में हमारे जवानों को, कौम मुस्लिम से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की, हकीकत में मुसलमानों, जान की कुर्बानी किस तरीके से ली जा रही है। ए मुसलमानों, तुम अपनी जिंदगी पर खुशहाल होने वालों, जरा फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की जिंदगी उठा कर देखो कि हकीकत में आज भी उन पर बमबारी हो रही है, उनके वकार को मजरू किया जा रहा है, बिल्डिंगों को गिराया जा रहा है, हॉस्पिटल को गिराया जा रहा है, स्कूलों को गिराया जा रहा है, फिर भी वो रब को राजी करने के लिए अपनी मस्जिदों को आबाद करते हुए नजर आ रहे हैं, कुरान की तिलावत करते हुए नजर आ रहे हैं। हम भारत की जमीन पर रहकर आज अपनी मस्जिदों को वीरान करते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमानों, अगर यही तरीका, यही नजरिया रहा ना तो वह दूर नहीं है कि रब्बे कायनात हम सबको बर्बाद कर देगा। अगर आबाद होना है तो पैगंबरे इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दो। दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह की रहमतें हम सब पर नाजिल होंगी, हमारी दुनिया भी सवरेगी, हमारी आखिरत भी सवरती हुई नजर। हजरत मोहतरम, हम और आपको अल्लाह ने जिंदगी अता किया है ना, तो ए मुसलमानों, आवारा गर्दी करने के लिए नहीं, इधर उधर गश्त करने के लिए नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर अलहाज मास्टर जौहर अली साहब अपने बच्चों की शादी के ताल्लुक से ना, हकीकत में मुसलमानों, इसी स्टेज को हटाकर उलमा को ना बुलाकर अगर किसी आवारा डांसर या लड़की के प्रोग्राम को रखा होता, यहाँ नाच और गाने का प्रोग्राम होता, तो ये चंद लोगों की भीड़ नहीं बल्कि ये मैदान पूरा का पूरा भरा होता हुआ नजर आता। आज मुसलमानों ने अपनी आबरू का सौदा इसी अंदाज से किया है, मुसलमानों ने अपने वकार को इसी तरीके से मजरू किया है कि नाच और गानों का जब मामला आता है तो मुसलमान कर्री से निकलकर खलीलाबाद का भी सफर करके देखने के लिए पहुंच जाता है, धनघटा की जमीन पर भी पहुंच जाता है नाच और गानों को देखने के लिए। ए मुसलमानों, आज जब भारत की जमीन पर हमारे वकार को मजरू किया जाता है ना, जब हमें ए मुसलमानों मारा जाता है, हमारे साथ ना इंसाफी की जाती है, तो भारत का मुसलमान कहता है, निसार अहमद निजामी, आज
हमें सताया जा रहा है, हमारे वकार को मजरू किया जा रहा है, हमें मुस्लिम होने की बुनियाद पर मारा जा रहा है, हम दाढ़ी रखते हैं इस बुनियाद पर मारा जा रहा है, टोपी लगाते हैं इस बुनियाद पर मारा जा रहा है, मगर कान खोल कर सुन लो मुसलमानों, तुम भारत की जमीन पर नहीं, दुनिया के जिस भी खित्ते में तुम सताए जा रहे हो, जिस भी खित्ते में तुम्हें मारा जा रहा है, वो टोपी की बुनियाद पर नहीं, वो दाढ़ी की बुनियाद पर नहीं, हकीकत में मुसलमानों मुस्लिम होने की बुनियाद पर नहीं, ईमान मुकम्मल होने की बुनियाद पर नहीं, बल्कि तुम मारे जा रहे हो तो अपने गंदे आमाल की बुनियाद पर मारे जा रहे हो। जिस दिन तुम अपने आमाल के अंदर सुधार पैदा करोगे, पैगंबरे इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर चलना शुरू करोगे, दावे के साथ कहता हूं अल्लाह की रहमतें तुझ पर नाजिल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर है ना। तो हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है कि अपनी जिंदगी के ए मुसलमानों तरीकों को बदलो, अपनी जिंदगी के अरकान को बदलो, इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम सबको पैदा किया है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में, यहाँ तक कि मुसलमानों जहां और आप इकट्ठा हुए हैं ना, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। अलहाज मास्टर जौहर अली साहब अपने पोतों की शादी कर रहे हैं तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। हमारे जिस्म में जान है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। ए मुसलमानों रब्बे कायनात ने दुनिया को वजूद में लाया है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हजरत मूसा अलैहि सलातु वसलाम को हितूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब तबारा का बताला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को ना नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा मैंने तेरे दिल को मतवाजे पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़मा आतैनाका वकुम मिनश शाकिरीन वमुतआला तौहीदी वहुब्बे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहि सलातु वसलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहि सलातु वसलाम अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब तबारा का बताला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहि सलातु वसलाम की मोहब्बत जरूरी है? अब कर्री के मुसलमानों अपनी जिंदगी पर जितना खुशियां मनाओ उतना कम है, अपनी जिंदगी पर जितना नाज करो उतना कम है, इसलिए कि रब तबारा का बताला ने हम गुनहगारों को उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया है, हमारे मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे वकार को कितना ऊंचा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं जमीनो जमा को पैदा ना करता, मैं मकीनो मका को पैदा ना करता, मैं लोहो कलम को पैदा ना करता, मैं चांदो सूरज को पैदा ना करता, मैं नबातातो जमादात को पैदा ना करता, मैं हैवानातो मखलूकात को पैदा ना करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा ना करता। हदीस कुदसी है, रब तबारा का बताला का फरमान आली शान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा हर तो रबो बिजा, ए महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे मिज्जते माजिया बहाजरा इमाम इश्को मोहब्बत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। हज़रत मोहतरम इस रिवायत से ज़हन मिलाना कि रब्बे कायनात ने अपनी रबूबियत का ऐलान किया है तो मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। ए मुसलमानों अल्लाह ने दुनिया को वजूद में लाया है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। ए मुसलमानों नबी आखिरुज़्ज़मां आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हम सबको मोहब्बत करना चाहिए इसलिए कि नबी की मोहब्बत जाने ईमान है। डॉक्टर इकबाल इसीलिए कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का लौह कलम तेरे हैं। मुसलमानों कहने का मकसद ये है, मेरे आका पैगंबर इस्लाम के फरमान पर अमल करने की कोशिश किया करो। वही नबी आखिरुज़्ज़मां इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान को सबसे पहले जिंदगी के अंदर नमाज और कुरान की तिलावत के साथ साथ अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करना चाहिए, अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करना चाहिए। ए मुसलमानों मुसलमानों के हालात इतने बदतर हो चुके हैं, हम अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी तो बहुत दूर की बात है, आज बाप से इतना भी नहीं पूछ पाते कि अब्बा जी खाना खाए कि
की नहीं, अम्मी जी खाना खाए की नहीं, तवा आपकी आई की नहीं। हकीकत में मुसलमानों हमारे पास दुनिया के लिए फुर्सत है मगर माँ बाप के लिए फुर्सत नहीं है। और जब हम अपने हाथों को उठाते हैं ना तो यही दुआ करते हैं, मौला मेरे घर में रहमत की बरसात कर दे, मेरे घर में बरकत की बरसात कर दे। ए मुसलमानों अगर रहमतों और बरकतों से माला माल होना चाहते हो तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत गुजारी करो, माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। जो बेटा अपने माँ बाप को राजी करता है अल्लाह रसूल उससे राजी हुआ करते हैं, उसके घर में रहमतों और बरकतों की बरसात होती है। इसलिए मुसलमानों जिंदगी के अंदर अगर कुछ करना चाहते हो तो उलमा की खिदमत बाद में करो, किसी पीर की खिदमत बाद में करो, पहले माँ बाप की खिदमत गुजारी करो, माँ बाप के हुक्म की तामील करो। दावे के साथ कहता हो जो बेटा माँ बाप के हुक्म की तामील करता है, अपने माँ बाप से दुआएं लिया करता है, वो दुनिया के किसी खित्ते में परेशान नहीं होता बल्कि माँ बाप की दुआओं के सदके अल्लाह हर मैदान में उसे कामयाबी आता। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत सरकार मसौली कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मोहतरम, मेरा मौजू ये नहीं है, वो तो आपको इकट्ठा करने के लिए मैंने ये इतना बोल दिया, फिर कभी मौका मिला ना तो मैं इस पर तफसीली गुफ्तगू करूँगा। मेरा मौजू शादी के ताल्लुक से है ना, और ये शादी का प्रोग्राम भी है तो मैं थोड़ी देर शादी पर ज़रूर बोलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं दो तीन शेर नात के पढ़ दूँ, सुनेंगे? आए कितने लोग सुनेंगे भैया? माशाल्लाह, मैं कर्री में पहली दफ़ा आया हूँ तकरीर करने, है ना? हाँ, इससे पहले दो तीन मरतबा आया हूँ किसी काम से, लेकिन तकरीर की गर्ज से पहली दफ़ा आया हूँ। ठीक ठीक है, तो आप हजरात सुनेंगे ना? आए हाँ, तो कहे मचल कर सुबहान अल्लाह, और एक मरतबा कह दो भैया, हजरत पढ़े जी, पढ़ दे भैया। हसबी रब्बे जल्लल्ला माफी कल्बे गैरुल्ला नूर मोहम्मद सल्लल्ला इलाहा इल्लल्ला। अच्छा लग रहा है? हाँ, तो कहें सुभान अल्लाह। हसबी रब्बे जल्लल्ला माफी कल्बे गैरुल्ला नूर मोहम्मद सल्लल्ला इलाहा इल्लल्ला। तेरे सदक़े में आका सारे जहाँ को दीन मिला, तेरे सदक़े में आका सारे जहाँ को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्ला। हसबी रब्बे जल्लल्ला माफी तलबे गैरुल्ला नूर मोहम्मद सल्ल अल्लाह ला इलाहा इल्लल्ला। अच्छा लग रहा भैया, तो कहो यार सुभान अल्लाह। सिमत नबी बो आए, तो कही दो सुभान अल्लाह। बुलबुल कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती हैं, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। बुलबुल कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती हैं, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। कहते हैं ये जिन्न बशर, कहते हैं ये जिन्न बशर, कहता जंगल कहता शजर, कहता है पत्ता पत्ता ला इलाहा इल्लल्ला। हसबी रब्बे जल्लल्ला माफी कल्बे गैरुल्ला नूर मोहम्मद सल्लल्लाह इलाहा इल्लल्ला। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम,
आज का ये जो प्रोग्राम रखा गया ये शादी के ताल्लुक से रखा गया है। शादी करना सुन्नत रसूल है, शादी करना बासे सबाब है, शादी करना निस्फ ईमान को महफूज रखना है। खुद मेरे आका पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अन निकाह निस्फुल ईमान, यानी मुसलमान जब निकाह के बंधन में बंधता है तो रब तबारा का बताला उसके आधा ईमान की हिफाजत करता है। मुसलमानों, हम शादी को सवाब वाला भी कहते हैं, शादी को ईमान वाला भी कहते हैं, शादी को सुन्नत भी कहते हैं, मगर ए मुसलमानों, इसी शादी के नाम पर हम सुन्नतों का जनाजा निकालने पर आमादा होते हैं, इसी शादी के नाम पर ईमान की धज्जियां उड़ाने पर हम आमादा होते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब हमारे घर में शादी होती है तो शादी के मौके पर बाकायदा हमारी घर की माँ बहन बेटी ऐसी ऐसी रस्मों को वजूद में लाती है, न कुरान की तालीम से उसका कोई मसला निकलता है, न अहदीस की किसी किताब से उसका मसला निकलता है। हकीकत में जब हम माओ बहनों बेटियों से सवाल करते हैं, इस्लाम की मुकद्दस मेरी माँ बहन बेटी ये बता, तू शादी के मौके पर इन गलत कामों को, इन गलत रस्मों को वजूद में क्यों लाई है, तो बाकायदा जानते हो क्या कहते हैं, निसार अहमद निजामी, क्या तुझे खबर नहीं है, क्या तुझे पता नहीं है, हम शादी के मौके पर इन रस्मों को जो निभा रहे हैं ना, ये हमारे परदादा हमारे परनाना किया करते थे, उन्हीं की परंपराओं पर अमल करके हम अपने बच्चों की शादी के मौके पर इन रस्मों को वजूद में लाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ अपनी माओ और बेटियों से कि तुम शादी के नाम पर अपने परदादा परनाना की परंपराओं को निभाने की बात करती हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे परनाना कौन सा लिबास पहनते थे, तुम्हारे परदादा कौन सा खाना खाते थे, तुम्हारे परदादा परनाना की जिंदगी किस तरीके से गुजरते थे। जब आज जिंदगी गुजारने की बात आती है, खाना खाने की बात आती है, लिबास की बात आती है, तो तुम कहते हो वो जहालत का दौर था, वो अंधेरों का दौर था, वो तारीकी का दौर था, हम उसकी तरीके से कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, उनके तरीके से खाना नहीं खा सकते हैं, ये तो मॉडर्न दौर है, ये तो पढ़े लिखों का दौर है। तो जब पढ़े लिखों का दौर तुम समझते हो, उसे तारीकी और जहालत का दौर करते हो, तो शादी के मौके पर गलत रस्मों को वजूद में क्यों लाते हो। हकीकत में मुसलमानों, इन गलत रस्मों की वजह से हमारी शादियां रहमत अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती है, बल्कि शादी बर्बादी में तब्दील हो जाया करती है। ए मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि रब्बे कायनात तुम्हारी शादियों में रहमतों की बरसात अता करे, तो इन गलत रस्मों को अपने घरों से निकाल कर फेंक कर तरीके मुस्तफा पर अमल करके, सुन्नत रसूल पर अमल करके अपने बच्चों की शादियां किया करो। ताबे के साथ कहता हूं, जो तरीके मुस्तफा पर अमल करके शादी होती है, अल्लाह उस शादी में रहमतों की बरसात अता करता है ना। तो हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है, आज शादी के नाम पर हम किस तरीके से गलत रस्मों को वजूद में लाते हैं। और जानते हो मुसलमानों, जब हमारे घर में शादी होती है ना, जो बाप होता है या बड़ा भाई होता है, शादी के नाम पर इतना अकड़ जाता है कि हर गलत काम को, हर बुरे काम को, गुनाह को भी धड़ल्ले के साथ करता है। ऐसा पता चलता है ये गुनाह नहीं कर रहा है बल्कि नेकी कमा रहा है, अपनी आँख पर काली पट्टी बांध कर हर बुरे कामों को अंजाम देने पर आमादा होता है, गुनाहों के दलदल में फंसता हुआ नजर आता है, बुरे काम को भी अच्छा काम समझकर करने पर आमादा होता है। और शादी का चार महीना नहीं बीतने पाता है, किसी मौलवी किसी बाबा के कदमों में गिरकर कहता है, बाबा जी अब तावीज दे दीजिए, अब तावीज का मामला आ गया है। इसलिए कि जिस बेटी को बहू बनाकर घर में लाए थे, वो हमारी इज्जत को चौराहों पर नीलाम कर रही है, हमारे मर्यादा को अपने आप में चौराहों पर नीलाम कर रही है। आप कोई तावीज दे दे ताकि घर का मामला सुधर जाए। मैं कहता हूं मुसलमान, तुझे किसी मौलवी किसी बाबा के पास जाने की जरूरत ना पड़ेगी, अगर तुम अपने बच्चों की शादी तारीख मुस्तफा पर अमल करके करोगे, सुन्नत रसूल पर अमल करके करोगे, तो दावे के साथ कहता हूं, जो बेटी बहू बनकर तुम्हारे घर में आएगी, अल्लाह उसके कदम की बरकत से तुम्हारे घरों में रहमतों की बरसात अता कर देगा। लेकिन आज हालात जानते हो क्या है, माशे के अंदर कितनी बड़ी गंदगी फैली हुई है, यहाँ आपसे ज्यादा तादाद में माएँ बहने बेटियां बैठी हुई है। हकीकत में इनका भी मामला, शादी के मौके पर इनका सबसे बड़ा रोल हुआ करता है। आपने महसूस किया होगा कि जब हमारे घर में लड़के या लड़की की शादी होती है ना, तो हमारी ही बहन हमारी ही बेटी अपने बाप अपने भाई से कहती है, भैया अगर भाई की शादी के मौके पर अगर डांस ना हुआ तो बिरादरी में नाक कट जाएगी, समाज में हम लोगों को क्या बताएंगे, खास तौर से दूर दूर दराज से रिश्तेदार चल कर आ रहे हैं, वो कहेंगे तुम्हारे
घर में शादी हुई पता ही ना चला। इस तरीके से अपने बाप भाई पर दबाव डालकर ए मुसलमानों, ये लोग नाच और गानों का प्रोग्राम रख दिया करते हैं जिसकी वजह से शादी बर्बादी में तब्दील हो जाया करती है। आज बाकायदा हालात इतने बदतर हो चुके हैं, माशा इस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है कि हकीकत में मुसलमानों हम शादी के मौके पर किस तरीके से अपने वजूद को खोते हुए नजर आते हैं। आज जानते हो यहाँ पर अलहाज मास्टर जौहर अली साहब ने एक कॉन्फ्रेंस का इनकार किया बड़े बड़े उलमाए किराम को आज आप अपने मिंबर पर लाने की कोशिश की, मगर आपने महसूस किया होगा आज शादी के मौके पर जानते हो क्या किया जाता है, अपने घर पर मीलाद का भी प्रोग्राम रखा जाता है। और जब मीलाद होती है ना तो आपने महसूस किया होगा कि एक साउंड लाकर, एक हारन लगाकर, दो हारन, चार हारन लगाकर उस पर हम मीलाद करवाते हैं। उलमा को जब रुखसत करने का वक्त आता है तो उसी वक्त बेटे का बाप जो शादी कर रहा है सबसे बड़ा गरीब हो जाता है। जब आलिम को रुखसत करेगा ना तो कहेगा मौलाना साहब बड़ी गरीबी है, कर्ज लेकर अपने बेटे का शादी कर रहा हो। इस तरीके से उसके सामने गुर्बत के तमाम अंबार को फाड़ने पर आमादा होगा। मगर ए मुसलमानों, अभी आलिम आपके कर्री से निकलकर अभी बाहर भी नहीं पहुंचा था। जानते हो वही बाप जो शादी के नाम पर आलिमों के सामने रोता हुआ नजर आ रहा था, एक साउंड पर मीलाद का प्रोग्राम रखा था, अब उसकी हैसियत बढ़ जाती है। आठ आठ डीजे का इंतखाब करता है, दस साउंड का इंतखाब करके अपने घर के दरवाजे के सामने डांस और नाच का प्रोग्राम रखता है। ए मुसलमानों, उस वक्त बाप की गैरत कहां मर जाती है जब उसके दरवाजे पर खुल्लम खुल्ला ए मुसलमानों बेहूदा गाने चलाए जाते हैं। वहां पर उसकी बेटी भी मौजूद होती है, वहां पर उसकी बहन भी मौजूद होती है, वहां पर उसकी माँ भी मौजूद होती है, जिसको सुनकर ए मुसलमानों गाने को सुनकर शर्मसार होती है। मगर ए मुसलमानों, हम और आप इतना अपने आप में पागल हो चुके होते हैं, शादी के नाम पर इतने अंधे हो चुके होते हैं कि धड़ल्ले के साथ गांव के उन लड़कों को पकड़ा जाता है जो सबसे बड़े आवारा हुआ करते हैं, उन्हीं को पकड़कर लाकर हम अपने दरवाजे पर डांस करवाते हुए नजर आते हैं। हकीकत में मुसलमानों, हैरत उस बात पर होती है कि जहां पर आज हमारे समाज के मुस्लिम नौजवान डांस करते हैं ना, वहीं पर मुस्लिम बच्चियां भी उनके साथ नाचती हुई नजर आती है। ए मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको पैगाम देना चाहता हूं, तुम शादी के मौके पर हकीकत में डांस और नाच और गानों का प्रोग्राम रखते हो, तुम अपने दरवाजे पर बेहूदा गाने चलाते हो, शादी के नाम पर बेहूदा गाने चले तो तुम धड़ल्ले के साथ गाना चलवाते हो, लेकिन अदर वक्त में कोई नौजवान तुम्हारे दरवाजे पर गाना चला देता है तो उसकी कालर पकड़कर थाने में घसीट कर ले जाते हो कि मेरी बहन की इज्जत को पामाल कर रहा था, मेरी बेटी के वकार को मजरू कर रहा था। उस वक्त तुम्हारी इज्जत कहां चल जाती है, उस वक्त तुम्हारी मर्यादा कहां चली जाती है जब तुम शादी के नाम पर अपने दरवाजों पर नाच और गानों का प्रोग्राम करवाते हुए नजर आते हो। हकीकत में मुसलमानों, अगर तुम्हारी सोच यह है कि डांस करूंगा, नाच रखूंगा तो समाज में मेरी इज्जत बढ़ेगी, गांव वाले वाहवाहिया करेंगे, सुनो, जो लोग तुम्हारे डांस और नाच को देखकर तालियां बजाते हैं ना, वही लोग चौराहों पर बैठकर तेरे खानदान की इज्जतों का जनाजा निकालने पर आमादा होते हैं, तेरे खानदान के वकार को मजरू करने पर आमादा होते हैं। हाँ, अगर तुझे इज्जत चाहिए शादी के नाम पर तो तू जानते हो क्या किया कर, जब शादी तुम्हारे बच्चे या बच्ची की हो तो शादी से एक दिन पहले या दो दिन पहले या उसी दिन तू अपने गांव के मदरसे का रुख किया कर, वहां पर जो तलबा कुरान पढ़ते हो उन कुरान पढ़ने वाले बच्चों को अपने घर पर लाया कर और कुरान की तिलावत की महफिल को सजा दिया कर। अगर अल्लाह ने और अता किया है तो देख कर रही गांव में कोई यतीम बच्चा या बच्ची मिल जाए तो उस पर ज्यादा से ज्यादा सदका तो खैरात कर दिया कर। अगर अल्लाह ने और अता किया है तो उलमा को बुलाकर अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल सजा दिया कर। दावे के साथ कहता हो तेरे खानदान का स्टेटस यहां भी ऊंचा होगा और कल मैदान महशर में रब तबारा का बताला तेरे दर्जात को बुलंद। थक गए भैया? हाँ, मुझे लग रहा थक गए आप हजरात। थके हैं यार, मैं दो जगह बोला हूँ, हाँ फिर भी नहीं थका, और आप थक गए है ना। कम से कम जब मैं रुकूँ तो सुभान अल्लाह की सदा ऐसी बुलंद करो कि पता चले कि आप सुन रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, है ना जी। हाँ, और मेरी आदत है, मेरी सैकड़ों तकरीरें यूट्यूब पर है, मैं कभी नहीं कहता सुभान अल्लाह कहिए नात के अलावा तकरीर में, ठीक है।
लेकिन जब जहां माहौल एकदम देखता हूं कि लोग नहीं बोलते तो वहां कहना पड़ता है, ठीक है। हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि ये शादी का प्रोग्राम है मुसलमानों, आपको मैं एक और मैसेज देना चाहता हूं। आज शादी होती है ना हमारे बच्चों की, शादी के नाम पर आपने महसूस किया होगा ए मुसलमानों, शादी होती है कि दो चार महीना नहीं बीतने पाता, माँ बाप को बेटा ही धक्के मार कर बाहर निकालने पर आमादा होता है। आपने एक नहीं कई वाकया देखा होगा कि शादी के एक साल बाद, दो साल बाद या चार ही महीने के बाद माँ बाप को धक्के मारा जाता है, माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने पर आमादा कर दिया जाता है। इसमें जानते हो मुसलमानों, बेटे की थोड़ी सी गलती नहीं होती है, इसमें सबसे ज्यादा गलती माँ बाप की हुआ करती है। इसलिए कि जब ये अपने बेटे की शादी कर रहा था ना, तो नबी के फरमान से हटकर अपने बेटे की शादी किया था, नबी के कौल से हटकर अपने बेटे की शादी किया था। नबी ने इरशाद फरमाया कि जब अपने बच्चों की शादी करो ना, तो लड़की जब तलाशो तो लड़की की तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर शादियां करा करो। लेकिन आज हालात कितने गंदे हो चुके हैं, महाशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। आज जब बाप अपने आप में किसी बेटी के बाप के दरवाजे पर पहुंचता है, तो ए मुसलमानों, इतने नखरे आज के लोगों के अंदर पाए जाते हैं। आज जानते हो बेटियों को क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है? अगर बेटी का कद अगर हल्का सा छोटा है ना, तो लोग कहते हैं तेरी बेटी का कद छोटा है, हम शादी नहीं करेंगे। ए मुसलमानों, ये तो कद की बात है, रंग रूप की बात छोड़ दीजिए, आज तो लोग आंख को भी बहुत ज्यादा करीब से देखते हैं। अगर आंख अगर छोटी हो गई, बड़ी हो गई, तो उसकी बुनियाद पर लोग रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया करते हैं। मुसलमानों, किसी बेटी को रिजेक्ट करने से पहले अपने घर पे भी नजर डाल लिया कर कि तेरी बेटी मौजूद है, तेरी बहन भी मौजूद है। आज किसी बेटी के बाप को तकलीफ देगा तो कल तुम्हें भी कोई तकलीफ देने वाला आएगा। खुदा रा मुसलमानों, किसी बेटी के बाप को तकलीफ ना दिया करो, किसी बेटी के बाप की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना किया करो। और जानते हो हालात जो हमारे समाज के अंदर खराब हो रहे, उसको मैं बताता हुआ चलो। ए मुसलमानों, आपने महसूस किया होगा कि शादी हमारे यहां होती है ना, तो जब लड़का लड़की का रिश्ता तय हो जाता है तो उसके बाद एक रस्म निभाई जाती है। खासकर कर्री और अमरडोबा के बीच में मैंने देखा है, क्योंकि अमरडोबा और कर्री में बड़ा गहरा रिश्ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मुसलमानों, हमारे जहां जानती हूं एक रस्म बड़ी तेजी से चलती है, उस रस्म को जानते हो क्या कहा जाता है? उसे दिन मांगने की रस्म कहा जाता है। दिन मांगने की ही रस्म से मां बाप का वकार मजरूह होता है, मां बाप जलील और रुस्वा होते हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो उसी को समझाते हुए चलो। जानते हो मुसलमानों, हम जब दिन मांगने की रस्म को लेकर हम जब लड़की के दरवाजे पर पहुंचते हैं ना, तो हमारे साथ 10 20 25 30 की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, कोई दोस्त के नाम पर, कोई खानदान के नाम पर, कोई रिश्तेदार के नाम पर इकट्ठा होते हैं। और उसके बाद लड़की के दरवाजे पर पहुंचा जाता है, हमारे साथ इतना बड़ा लश्कर गया, मगर जब लड़की के दरवाजे पर पहुंचते हैं ना, तो हमारा कोई साथी, हमारा कोई दोस्त, हमारे खानदान का कोई भी शख्स वहां पहुंचकर लड़की के दरवाजे पर किसी से यह नहीं दरियाफ्त करता है कि लड़की कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारती है कि नहीं, लड़की कुरान पढ़ती है कि नहीं, लड़की नमाजों की पाबंदी करती है कि नहीं। जानते हो जितने रिश्तेदार, जितने दोस्त अहबाब खानदान वाले जाते हैं, सबकी निगाह एक ही तरफ होती है। वो जानते हो लड़की के बाप के दस्तरखान पर लोग निगाह जमाए रहते हैं, सोचते हैं अच्छा पकवान मिलेगा तो खाया जाएगा। अगर लड़की के बाप ने अपने दस्तरखान पर दुनिया के तरह तरह के मेवे, तरह तरह के मिठाइयां, तरह तरह के पकवान रखा है, तो ए मुसलमानों, लड़के के जितने रिश्तेदार खानदान वाले होते हैं ना, बाकायदा लड़के के बाप की पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं तूने बहुत अच्छा रिश्ता तलाशा है, तूने बहुत मजबूत रिश्ता पकड़ा है। खुदा रा मुसलमान, किसी बेटी के बाप के दस्तरखान को देखकर उसके बाप की इज्जत का अंदाजा ना लगाया करो। हकीकत में अगर लड़की का बाप अपने दस्तरखान पर दुनिया के तरह तरह के मेवे, तरह तरह के मिठाइयां, तरह तरह के पकवान रख रहा है, उसकी बेटी सोशल मीडिया पर रील बनाकर अपने जिस्मों की नुमाइश करने वाली हो, अगर उसकी बेटी बाजारों की बाकायदा जीनत बनने वाली हो, उसकी बेटी ए मुसलमानों शरीयत अहकाम की धज्जियां उड़ाने वाली हो, उसकी बेटी नबी के वकार को मजरू करने वाली हो, तो ऐसी बेटी को अगर बहू बनाकर लाओगे तो तेरे घर में रहमत नहीं, बल्कि वो बेटी तेरे घर के लिए जहमत होगी। आ मुसलमान, अगर तू रहमत वाली बेटी चाहता है, तो लड़की के बाप के दस्तरखान पर अगर कम पकवान हो, कम खाना रखा गया हो, उसकी बेटी कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारने वाली है, उसकी बेटी पर्दे का एहतमाम करने वाली है, उसकी बेटी माँ बाप की खिदमत गुजारी है करने वाली है, तो दावे के साथ कहता हो, ऐसी बेटी को अगर अपने घर की बहू बनाओगे तो रब तबारक व तआला उसके कदम की बरकत से तुम्हारे घर में रहमतों की बरसात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत
नारे तकबीर। सही है ना। तो हजरत मुहतरम कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको मैसेज और पैगाम देता हुआ चलो मुसलमानों, हमने अपनी इज्जतों का जनाजा किस अंदाज से निकाला है जानते हो। हम जब लड़की के दरवाजे पर पहुंचते हैं ना, तो खाने पीने की रस्में खत्म होने के बाद ए मुसलमानों फिर लड़की के बाप को पुकारा जाता है, हकीकत में लड़की के बाप को बुलाया जाता है। ए मुसलमानों खाने पीने के लिए लड़की को बाप को नहीं बुलाया जाता, बल्कि बाप को जलील करने के लिए बुलाया जाता है, बाप की इज्जत के साथ खेलने के लिए बुलाया जाता है। आपने महसूस किया होगा कि बाकायदा मुसलमानों लड़की के बाप को आवाज दी जाती है, जब लड़की के बाप के कान में ये आवाज जाती है तो ए मुसलमानों लड़की का बाप डर जाता है, सहम जाता है, सोचता है मौला खाने में अगर कोई कमी हो गई होगी तो आज ये लोग मेरी इज्जत का जनाजा निकाल देंगे, मेरी इज्जत की धज्जियां ये लोग उड़ाकर यहां से चले जाएंगे। ए मुसलमानों गर्दन झुकाकर आंखों में हकीकत में नमी लेकर लड़के वालों के सामने पहुंचता है, लड़के के घर वालों चारों तरफ से घेर कर उसके खड़े हो जाते हैं, उसके बाद उससे लोग दरिया करते हैं। आपने महसूस किया होगा वहां पर वो भी दरियाफ्त करता है, वो भी डींगे मारता है, जो अपने दस्तरखान पर हफ्ते में दो दिन गोश्त लाकर एक बोटी दो बेटी मैसर होती है, वो भी वहां पर बकरे की ख्वाहिशों तमन्ना करता है। ए मुसलमानों खाने पीने की डींगे मारने पर आमादा होता है। इस तरीके से लड़की के बाप के सामने उसको जलील करने की कोशिश की जाती है। इस तरीके से कहा जाता है लड़की के बाप सुन, तुझे खबर नहीं है, तुझे पता नहीं है, हमारा बेटा बड़ा हाई क्वालिटी का है, उसका स्टेटस बड़ा ऊंचा है, इसलिए उसके लिए खाने पीने का इंतजाम, उसके दोस्तों के बैठने का इंतजाम अच्छा होना चाहिए। ए मुसलमानों आज से 5 साल 6 साल पहले जानते हो माहौल क्या था, लोग डायरेक्ट हमसे जहेज का मुतालबा करते थे, मगर जब उलमा अपने स्टेजों से रद्द करना शुरू किए ना, तो ज्यादातर लोगों के अंदर ए मुसलमानों ये खौफ पैदा हो गया कि अगर मांगेंगे तो लोग बाइकाट कर देंगे। तो जानते हो मुसलमानों पहले डायरेक्ट कहा जाता था यह लिया जाएगा, अब लोग इनडायरेक्ट भी मांग रहे हैं। ये मांगना बंद नहीं किए हैं क्योंकि इनको लत पड़ चुकी है मांगने की। जानते हो मुसलमानों कैसे कहा जाता है आपको खबर नहीं है, आपको पता नहीं है, मेरे इसी बेटे का रिश्ता फला जगह से आया था ना, तो फला कंपनी की गाड़ी दे रहे थे, खुल के नहीं कह पा रहा मगर छुपा कर बोल रहा है, कहता है फला कंपनी की फ्रिज और कूलर दे रहे थे। इस तरीके से बाप की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, इस तरीके से बाप की मर्यादा को ए मुसलमानों उछालने की कोशिश की जाती है। एक बाप को इस तरीके से हम जलील रुसवा करते हैं। जानते हो मुसलमानों ऐसा पता चलता है उस बाप ने बेटी पैदा करके दुनिया की सबसे बड़ी खता की हो, दुनिया की सबसे बड़ी गलती की हो। जब हम उसके बाप बेटी के बाप को सताते हैं ना, तो बेटी पर्दे की आड़ से अपने बाप की मर्यादा को देखती है, अपने बाप की इज्जत को देखती है। जब देखती है कि मेरे बाप को जलील किया जा रहा है, मेरे बाप को रुसवा किया जा रहा है, मौला की बारगाह में अपने हाथों को उठा देती है, अर्ज करती है रब्बे कायनात काश अगर आज तू मुझे बेटी बनाकर इस दुनिया में ना भेजा होता, तो हर ऐरा गहरा मेरे बाप को जिल्लत रिसवाई का सामना ना करना पड़ता, मेरे बाप के वकार को मजरू ना किया जाता। ए मुसलमानों बेटी मौला की बारगाह में फरियाद करती है रब्बे कायनात तूने बेटी बनाया था तो उसी तरीके से ताकत और कुव्वत भी दिया होता, ए मौला आज मेरे बाप को जलील किया जा रहा है, मेरे बाप के सामने डिमांड पर डिमांड रखी जा रही है। हकीकत में मुसलमानों बेटी वही पर अहद लेती है कि अगर काश मेरी शादी इस घर में हुई तो शादी के बाद सबसे पहले शौहर को चंगुल में लूंगी, शौहर को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके उसके बाप ने मेरे बाप को जलील किया है तो उसके बाप को धक्के मारकर बाहर निकलवाऊंगे। 99% मामला भारत के यही हो रहे हैं, जो मां बाप अपने बेटों की शादी नहीं बल्कि अपने बेटों का सौदा करते हैं, अपने बेटों को बेचकर आया करते हैं, उन्हीं मां बाप को धक्के मारकर बाहर निकाला जाता है। मुसलमानों अगर घर को आबाद करना है तो बेटी के बाप को इज्जत दिया करो, बेटी के बाप के वकार को ऊंचा किया करो। जानते हो मुसलमानों एक बेटी का बाप अपनी बेटी की बारात सजाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दिया करता है, इसलिए मुसलमानों किसी बेटी के बाप को जलील ना किया करो, किसी बेटी के बाप को रुसवा ना किया करो, बल्कि बेटी के बाप को इज्जत दिया करो। जब बेटी के बाप के दरवाजे पर पहुंचो ना, तो बेटी के बाप के पुश्त पर हाथ रखकर इतना कहा करो, हे बेटी के बाप सुन सुन,
तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुन, तुझे कर्ज और सूद पर लाकर पैसा अपनी बेटी को रुखसत करने की जरूरत नहीं है। सुन, जितनी तेरी इस्तेआत है, जितनी हैसियत है ना, उसी इस्तेआत के मुताबिक तू अपनी बेटी को रुखसत कर दे। दावे के साथ कहता हो मुसलमानों, अगर किसी बेटी के बाप को तुमने ये इज्जत अता किया, तो जब तुम बुढ़ापे की मंजिल में दाखिल होंगे, जब तुम अपने आप में चलने फिरने से कासिर होगे, जब तुम्हारे घर वाले तुमसे अपने आप में रिश्ता मोड़ेंगे, जब तुम्हारा सगा बेटा सगा पोता तुझसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश करेगा कि दादा के पास जाऊंगा तो बदबू आएगी, दादा के पास बैठूंगा तो इस तरीके से मामलात होंगे, जब तुम्हारे सारे घर वाले तुमसे रिश्ता तोड़ने की बात करेंगे, तो उसी वही बेटी जिसके बाप को तूने इज्जत दिया था, जिसके बाप की मर्यादा की तूने हिफाजत किया था, वही बेटी कहेगी ए घर वालों सुनो, तुम इस इनकी खिदमत करो ना करो, मगर इन्होंने मेरे बाप को इज्जत दिया था, जब तक मेरे जिस्म में जान है तब तक मैं इनकी खिदमत गुजारी करती हुई नजर आऊंगी। है ना? तो हजरते मोहतरम, आप थक गए हैं, आए दो चार मिनट और बर्दाश्त करेंगे ना, आए हाँ तो दो चार मिनट सुने सुने मुफ्ती तबरेज़ साहब नहीं देखा, हाँ मुफ्ती अख्तर साहब चले गए, तो अब आप सुनेंगे, है ना, सुनेंगे ना भैया, हाँ ठीक है, सुनेंगे ना यार, इतना सिलो बोल रहे हो कि मन कर आप बैठ जाए, है ना, हाँ सुनेंगे। हाँ, तो हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है कि ए मुसलमानों, किसी बेटी के बाप को सताया ना करो, बेटी के बाप को जलील रिस्वा ना किया करो, बेटी के बाप को इज्जत दिया करो। हकीकत में मुसलमानों, जानते हो आज समाज के दुश्मनों ने समाज का इतना नुकसान किया है कि आओ मैं आपको बताता चलो, मुसलमानों शादी के नाम पर आज कितनी धांधली हो रही है, शादी के नाम पर मजहब इस्लाम की तालीम की धज्जियाँ किस तरीके से लोग उड़ाने पर आमादा है। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम अकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान को नोट करो, यहां उन लोगों को पैगाम दूंगा कि जिनकी बेटियां अपने ससुराल में जिंदगी बसर कर रही होंगी, वो कान खोल कर मेरी इस बात को नोट करेंगे। हकीकत में नबी आखरुज जमाने, जब अपनी सबसे चहीती बेटी, सबसे लाडली बेटी, जिनको दुनिया सज्जदा कहती है, जिनको दुनिया जाहिदा कहती है, जिनको दुनिया तय्यबा ताहिरा कहती है, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ए मुसलमानों जब रुखसत करने का वक्त आया था, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के साथ जब हजरत सज्जदा फातिमा अपने बाबा के घर से रुखसत हो रही थी, तो नबी ने अपनी बेटी को एक पैगाम दिया था, अपनी बेटी को एक मैसेज दिया था, ए मेरी लाडली बेटी सज्जदा फातिमा, याद रख अगर जो तेरा बाप इमामुल अंबिया है, अगर जो तेरा बाप सज्जदुल अंबिया है, तो ए बेटी अपने बाप के आंगन में रहती थी, तो तेरे बाप का आंगन महका करता था, मगर ए बेटी अपने बाप की इस बात को याद रखना। मुसलमानों, नबी ने जो अपनी बेटी को पैगाम दिया था, दरअसल अपनी बेटी के जरिए उम्मत की तमाम बेटियों को मैसेज था, उम्मत की तमाम बेटियों को पैगाम था। नबी आखरु जमा ने इरशाद फरमाया सज्जदा फातिमा सुनो सुनो, तुम तो जा रही हो ना अपने शौहर के साथ, अली मुर्तजा के साथ, मगर उस वक्त तेरे बाप का दरवाजा तेरे लिए नहीं खुला रहेगा जब तक तू अपने शौहर की इत्तबा व फरमा बरदारी ना करेगी। ए मुसलमानों, नबी ने यह फरमान दिया था कौम की बेटियों को। आज बाप जब भाई अपनी बेटी को रुखसत करता है, तो बाकायदा बाप कहता है बेटी तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए बेटी सुन सुन, अगर तेरा शौहर तुझे ना मानेगा ना, तो तेरे बाप का दरवाजा तेरे लिए खुला है, तेरे नंदे, तेरे सास ससुर, तेरे देवर अगर तुझसे नाराजगी दिखाएंगे ना, तो तेरे बाप का दरवाजा तेरे लिए खुला है। मुसलमानों, हम अपनी बेटियों को ये मैसेज देकर हकीकत में उनकी जिंदगी को आबाद नहीं किया करते, बल्कि उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया करते हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ उसको बताता चलो, ये बेटियां नाकसुल अक्ल हुआ करती है, ये छोटी छोटी बातों को नक्श कर लिया करती है। बाप की जब बात इतनी रहती है कि ना शौहर से भी तुझे अपने आप में रजामंदी नहीं लेना, तेरे बाप का दरवाजा तेरे लिए खुला है, तो ये जब अपने ससुराल में पहुंचती है, छोटी छोटी बातों से मुसलमानों अपने शौहर से लड़ जाया करती है, अपने सास ससुर से लड़ जाया करती है, मामला तलाक तक पहुंच जाते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है, जिसकी वजह से बेटी को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। अभी हाल ही का वाकया मैं खलीलाबाद की कचेरी का बता रहा हूं। किसी काम से हम चार दोस्त गए थे कचेरी के अंदर, हकीकत में एक खातून को देखा गया था नकाब
हिजाब पोश खातून थी, जिसके हाथ में मुसलमानों 2 से 2.5 साल का बच्चा था, आंखों में आंसुओं के कतरात को लेकर ए मुसलमानों सिसकियां लेकर रो रही थी। जब उसकी रोने की आवाज को सुना गया ना तो उसके करीब होकर, इसलिए कि वो खातून नकाब पोश थी, उस खातून से सवाल किया गया, बहन तू का क्या करने के लिए इस कचेरी के अंदर आई है? तेरा काम तो घर में रहकर किचन के अंदर काम करने का वक्त तेरा है, तुझे तो अपने घर में रहकर पर्दे का एहतमाम करना है, तुझे तो अपने शोहर की खिदमत गुजारी करना था, तू कचेरी के अंदर क्या कर रही है? जानते हो उस खातून ने आंखों के आंसू के कतरात को जारी कर कर कहा था, निसार अहमद निजामी तुझे खबर नहीं है, तुझे पता नहीं है, मेरे बाप ने इस तरीके से मुझसे कहा था, मेरे भाई ने मुझसे इस तरीके से कहा था कि अगर तेरे ससुराल वाले तुझे ठीक तरीके से ना मानेंगे तो तेरे बाप तेरे भाई का दरवाजा तेरे लिए खुला है। हकीकत में मैं अपने बाप की बात पर अमल करके एक छोटी सी बात की वजह से मैं अपने शौहर से लड़ गई, मेरा शौहर बीवी गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दिया है, आज उसी तलाक के कागजात को लेकर मुझे कचहरी के अंदर आकर वकीलों और जजों के सामने खड़ा होना पड़ता है। ए मुसलमानों, ये हमारी घर की बेटियां वकील और जज के सामने खड़े होकर बयान देने के लिए नहीं पैदा की गई है, हकीकत में मुसलमानों बेपर्दगी के आलम में इन्हें रखने के लिए नहीं पैदा किया गया है, ये बेटियां तो कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारने के लिए आई है। ए मुसलमानों, ये बेटियां माँ बाप के लिए रहमत बनकर आई है, हकीकत में जो बाप अपनी बेटी की तरबियत अच्छे अंदाज से करता है, अपनी बेटी की तरबियत अच्छे अंदाज से करने के बाद किसी नेक लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करता है ना, और उसकी बेटी जब अपने शौहर की इत्तबा व फरमा बरदारी करती है तो रब तबारा का बताला उस बेटी की फरमा बरदारी के सदके तुफेल में उसके बाप को जहन्नम की आग से निकालकर जन्नतुल फिरदाउस के आला से आला मकाम को आता है ना। तो इसलिए मुसलमानों अपनी बेटियों को मैसेज अच्छा दिया करो, लेकिन हालात इतने बदतर हो चुके हैं, माशा इस तरीके से गंदगी के माहौल में आ चुका है कि ए मुसलमानों, ये बेटियां जो अल्लाह की रहमत बनकर आई है, हमारे घर की जीनत है, हकीकत में मुसलमानों इन बेटियों से मोहब्बत किया करो, इन बेटियों से प्यार किया करो, इसलिए कि जिस घर में बेटी नहीं होती है ना वो घर अपने आप में ऐसा पता चलता है कि काटने को दौड़ता है, ए मुसलमानों उसके अंदर रौनक नहीं हुआ करती है, बेटियां हमारे घर की रौनक है, बेटियां हमारे घर के लिए रहमत है, मगर आज बेटियों के बाप ने अपनी बेटियों को इतनी छूट दे दिया है कि बेटियां आज समाज के वकार को इतना मजरू कर रही है, खास करके शरीयत मुस्तफा की धज्जियां सबसे ज्यादा ये उड़ाने पर आमादा है, किसी बाजार किसी मेले किसी मार्केट का जायजा लो, सबसे ज्यादा नकाबपोश औरतें दिखती हुई नजर आती है। ए मुसलमानों, लॉकडाउन के पहले तो इनका नकाब थोड़ा ठीक रहता था, आज इन बेटियों ने नकाब के अंदर भी चेंजिंग पैदा कर दी है, हकीकत में पहले तो इनका नकाब पूरा रहता था, आज ये बेटियां फैशन के नाम पर अपनी इज्जतों का जनाजा इस अंदाज से निकाल रही है कि नकाब के नाम पर सिर्फ मास्क लगाकर अपने होंठ अपनी नाक को छुपाकर हकीकत में मुसलमानों दुनिया के लोगों के सामने अपने पूरे चेहरे की नुमाइश करती हुई नजर आ रही है। याद रखो मुसलमानों, बेटियों को अगर इसी तरीके से तुम छोड़ दोगे ना, हर बाप यही कहता है निसार अहमद निजामी मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मेरी बेटी वैसी नहीं है। ए मुसलमानों, आज देख रहे हो ना न्यूज चैनलों के जरिए अखबारात के जरिए कि हमें खबर मिल रही है फला की बेटी फला गैर मुस्लिम लड़के के साथ धर्म परिवर्तन करके मजहब तब्दील करके किसी के साथ शादी कर रही है। मैं आपको बताओ मुसलमानों, अभी हाल ही का वाकया पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, एक खातून ने एक लड़की ने हकीकत में मुसलमानों थाना के कैंपस के अंदर 200 की भीड़ के अंदर एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ मजहब तब्दील करके शादी रचाई है, उसका बाप गार्ड की नौकरी कर रहा था, हकीकत में मुसलमानों वो बाप भी उसी तरीके से था जो कहता था मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मेरी बेटी वैसी नहीं है, मेरी बेटी फला की तरह नहीं है। जानते हो गार्ड की नौकरी करने वाला जब अपनी बेटी के मजहब तब्दीली के मामले को देखा ना, तड़प गया, थाना के कैंपस के अंदर गया, 200 की भीड़ के बीच में गया, अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी ये तेरा रास्ता गलत रास्ता है, ये बेटी तुझे दीन की तरफ जाना है, ये बेटी तुझे कुरान की तालीम की तरफ जाना है, ये बेटी तू अपनी इज्जत को नीलाम ना कर, ये बेटी तू अपने बाप को जलील और रुस्वा ना कर, अपने बाप की जिल्लत और रुस्वाई का सामना ना करना दे। ए मुसलमानों, इस तरीके से बाप रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, हकीकत में आंखों में आंसुओं के कतरात के लेकर यहां तक कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई है ना, ए मुसलमानों, वो
बाप हाथ जोड़ रहा है अपनी बेटी के सामने, और वो बेटी अपने आशिक की मोहब्बत में इतनी गिरफ्तार हो चुके थे कि अपने बाप को इसी तरीके से हाथ सीने पर मार कर धक्का देती है। बाप बेचारा जमीन पर गिर जाता है, बाप की आंखों में आंसू के कतरात है। हकीकत में मुसलमानों ये हुआ इसलिए कि उस बाप ने अपनी बेटी को खुली छूट दिया था, बेटी कहीं भी जा, बेटी तू बाजार में भी जा, बेटी तू मार्केट में भी जा, बेटी तुझे जहां जाना है वहां जा, मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है। ए मुसलमानों, ये कहने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हारी बेटी किसी कॉलेज में पढ़ रही है तो हफ्ते में या महीने के अंदर या 15 दिन पर बगैर बताए उसके क्लास का जायजा लिया करो, ताकि बेटे के दिल में बाप का डर पैदा हो, वो किसी गलत काम को करने से पहले हजार मरतबा सोचने की कोशिश करे। और अपनी बेटियों को बचपन ही से तरबियत दिया करो, वो तरबियत सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा की जिंदगी की सीरत पढ़ाया करो, उन्हें बताया करो कि सैयदा ज़ैनब ने करबला के मैदान में दीन मुस्तफा की हिफाजत किस अंदाज से किया था, जब नमाज़े रसूल को शहीद कर दिया गया था, खेमे हुसैनी को चला दिया गया था, सैयदा ज़ैनब खानदान की तमाम बेटियों के ए मुसलमानों सरों से जब चादरों को छीन लिया गया था, तो सैयदा ज़ैनब ने खानदान की बेटियों को पैगाम दिया था, ए खानदान की बेटियों सुनो सुनो, आज नाना की उम्मत की तमाम बेटियों को मैसेज देने का वक्त आ चुका है, पैगाम देने का वक्त आ चुका है। आज हमारे सरों से चादरों को छीना गया है, मगर अपने उम्मत नबी की उम्मत की बेटियों को मैसेज देना है। जानते हो सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अपने चेहरों को अपने बालों से पर्दा करके उम्मत की बेटियों को मैसेज दे दो कि जब करबला के मैदान में खानदान अहले बैत की बेटियों से चादरों को छीना गया था तो उन्होंने उस वक्त भी पर्दे का एहतमाम किया था। अगर हम अपनी बेटी को अपनी बहन को यही मैसेज यही पैगाम देंगे मुसलमानों, तो दावे के साथ कहता हूं हमारी बेटी किसी गैर के साथ भागकर शादी नहीं करेगी, बल्कि मां बाप की फरमा बरदारी करती हुई नजर आएगी, हमारे समाज की इज्जत होगी, हमारे मुआशरे की इज्जत होगी। क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवा बदल डालो, और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे निशाते लज्जते ख्वाबे घिरा पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो हजरते मोहतरम, अब यहीं पर गुफ्तगू खत्म करता हूं, क्योंकि अभी मुझसे मेरे बाद भी खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब किबला नानपारवी का आपको खिताब समाप्त करना है ना, और मुझे लगभग नवंबर में रोज़ ही कहीं ना कहीं बोलना है, तो दो जगह अगर ज़्यादा ज़्यादा बोलूँगा तो आवाज़ पर भी असर हो जाएगा ना। हाँ, फिर कभी मौका मिला तो, मैं बहुत दूर का नहीं, अमरडोभा और करी बहुत दूर नहीं है, इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो आपके दयार में आऊँगा। दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई हो तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए, मेरे असाज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमात की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे, मेंबर पर जितने उलमा हैं अल्लाह सबके इल्म व अमल में बरकत अता फरमा, यहाँ की हाज़रीन पर अल्लाह खास फजल फरमा, करी गाँव पर रहमत नूर की बारिश अता फरमा। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।